अक्टूबर से जो रेट हो गए हैं लगभग, हाँ एक नाइट में दो सफारी रहेंगी, और जो एक नाइट स्टे का आपका खर्चा आएगा लगभग लगभग 1 मिनट के अंदर पूरा सोल्ड आउट हो जाता है एक हफ्ते का। या तो आपकी स्पीड बहुत अच्छी होनी चाहिए तभी आप बुक कर पाएंगे, क्योंकि हम लोगों के पास टीम है वो सब एक्सपर्ट हैं बुकिंग करने के। तो If you are a fan of travel content and you like fun family videos, तो Mile Chasers को subscribe करना ना भूलें। तो भाई अभी मैं हूँ फाटो में, और फाटो का FRHI ये ऊपर ट्री हाउस है जहाँ पे हम रुके हुए हैं। सोनू भाई हैं साथ में, और कल हम लोग थे डिकाला में, और डिकाला में टाइम नहीं मिला मुझे कि मैं वहाँ पे इनके साथ एक वीडियो बना पाऊँ जिसमें आपको सारी डिटेल मिल जाए। तो मैंने कहा यहाँ पे फटाफट बनाते हैं तो आपको इसमें सारा पता चल जाएगा कि डिकाला की बुकिंग से लेकर स्टे कैसे सब कुछ करना है, सफारी भी। तो ये व्लॉग पूरा एंड तक देखना, शुरू करते हैं इनके साथ थोड़ा सा इंटरव्यू टाइप का एक व्लॉग। तो सुनो भाई, पहले तो ये बता दो सबको कि अभी जो नए रेट्स हो गए हैं डिकाला के ना, वैसे ये वाला क्वेश्चन सब बहुत बाद में ही करते हैं रेट वाला, क्योंकि लेकिन सबसे ज़्यादा क्योंकि लोग यही पूछते हैं, तो मैंने कहा शुरू में ही करके ना ये वाला क्वेश्चन पहले कर लेते हैं कि भाई रेट्स चेंज हो गए हैं जो, उसके बारे में जिप्सी के और जो स्टे का रेट है उसके बारे में बता दो थोड़ा। अक्टूबर से जो रेट हो गए हैं लगभग 8,500 रुपये, उसमें जिप्सी का चार्ज, परमिट चार्ज, गाइड फीस सब इंक्लूड है। जैसे आप रिजॉर्ट से पिक एंड ड्रॉप लेंगे वो भी 8,500 में इंक्लूड है, लेकिन आपका रिजॉर्ट कम से कम 10 किलोमीटर डिस्टेंस के अंदर होना चाहिए, ऐसा नहीं कि 30-35 किलोमीटर दूर हो, हमें भी समस्या है। तो अगर 10 किलोमीटर के अंदर आप रिजॉर्ट लेते हैं तो 8,500 रुपये में वहीं से आपको पिक एंड ड्रॉप दे देंगे, 4 घंटे की सफारी रहेगी उसमें। ठीक है, तो अब सफारी दो होती है जैसे एक नाइट कोई स्टे कर रहा है तो? हाँ, एक नाइट में दो सफारी रहेंगी, और जो एक नाइट स्टे का आपका खर्चा आएगा लगभग 6,000 रुपये का रूम रहेगा, और 3,000 रुपये एक रूम का सर्विस चार्ज रहेगा, और 5,000 पर डे गाड़ी का चार्ज रहेगा। ये सारा ऑनलाइन है? नहीं, ऑनलाइन जो रेट रहेगा वो तो 6,000 के आसपास रूम का रहेगा। अच्छा, थोड़ा बहुत हमारी गाड़ी के रेट ज़्यादा हैं क्योंकि हम सर्विस के हिसाब से पैसे लेते हैं, गवर्नमेंट रेट थोड़ा बहुत कम है। आप चाहें तो किसी और की गाड़ी भी ले सकते हैं, अगर खुद बुकिंग करेंगे तो कम चार्ज पड़ेगा, लेकिन जो हमारे पास टीम है वो बुकिंग करती है तो हम उन्हें सर्विस चार्ज भी देते हैं रूम बुक करने का, फिर जो हम सर्विस देते हैं उसके हिसाब से तेल भी एक्स्ट्रा खर्च होता है, तो वो 5,000 पर डे उसी में चार्ज होगा। बिल्कुल, ये तो मैं खुद भी बोल सकता हूँ कि जब आप सोनू भाई के साथ घूमोगे ना तो बाकी लोग जितने आपको गाड़ी में घुमाएंगे उससे बहुत ज़्यादा ही घुमाते हैं, लेकिन सोनू भाई डिकाला की जैसे खुद बुकिंग की आप बात कर रहे हो, कितनी टफ है करनी खुद से? लगभग 1 मिनट के अंदर पूरा सोल्ड आउट हो जाता है एक हफ्ते का। या तो आपकी स्पीड बहुत अच्छी होनी चाहिए तभी आप बुक कर पाएंगे, क्योंकि हम लोगों के पास टीम है वो सब एक्सपर्ट हैं बुकिंग करने के, तो फटाफट उनके हाथ चलते हैं और जल्दी जल्दी बुकिंग हो जाती है। बस ये है कि आप भी ट्राई कर सकते हैं, हमें भी दे सकते हैं, ऐसी कोई समस्या वाली बात नहीं है। आप कर लेंगे तो हम लोग नहीं करेंगे बुकिंग, आप भी साथ साथ ट्राई कर सकते हैं। यही है कि जैसे ही डिकाला की बुकिंग जैसी ओपन होती है ना, अब मान लो जैसे किस महीने ओपन होती है, कितने दिन के लिए? ये हर मंडे को ओपन होती है और हर हफ्ते की होती है। अच्छा, हफ्ते की होती है? हाँ, हर हफ्ते की ओपन हो रही है। पहले महीने की होती थी? पहले महीने की होती थी, और ये थोड़ा अच्छा है कि आप हर मंडे को ट्राई कर सकते हैं। जैसे इस मंडे आपने बुकिंग के लिए ट्राई किया, बुकिंग नहीं मिली, तो आप अगली कोई डेट के लिए ट्राई कर सकते हैं अगले मंडे में। तो ये जैसे आपने बता दिया कि ये वाले रेट्स हैं, लेकिन मैं जैसे देखता हूँ कि लोगों को बुकिंग मिल ही नहीं पाती है, तो अब जैसे मैं तो सजेस्ट करता हूँ लोगों को यही है कि भाई आप इनको अपनी डेट बता दो ताकि जिस दिन खुल रहा है ये खुद से ट्राई कर लें। अगर तो ऑनलाइन बुक हो जाता है तो बढ़िया है, फिर आप उसी रेट के हिसाब से मिल जाएगा आपको, लेकिन अगर नहीं मिलता, जो कि यूजुअली लोगों को नहीं मिलता है, तो फिर ऑफलाइन तरीके से ही करना। मिलने के लिए आपको ढिकाला का मिल जाएगा, लेकिन हर किसी का ये रहता है कि हमें मेन ढिकाला ही चाहिए। अगर थोड़ा हमारे पास एक फ्लेक्सिबल डेट हो कि इन डेटों में कोई सी भी डेट हमें मिल जाए, या फिर सुल्तान मिल जाए, गैरल मिल जाए, सरबदुली मिल जाए, तो 100% मिल जाएगा। लेकिन आदमी की सबकी इच्छा यही है कि मुझे ढिकाला में ही रुकना है, और 5-6 लोगों के लिए करना तो बहुत टफ है, क्योंकि जबकि 5-6 लोगों का नाम हम उसमें मेंशन करेंगे, आईडी डालेंगे, तब तक सारा पैक हो चुका होता है। तो होता क्या है कि अगर 2 लोग रहेंगे, 3 लोग रहेंगे, हमारे लिए भी ईजी रहता है बुक करना, और ये ऑप्शन रहेगा कि आप सरबदुली या गैरल ढिकाला में से तीनों में से कुछ भी हमें बुक करके दे देंगे, तो वो श्योर है कि हम उन्हें कुछ ना कुछ गेस्ट हाउस दे सकते हैं। बिल्कुल, मैंने जाते हुए जब डिकाला पे हम अंदर गए हैं, मैंने उस टाइम पे भी कवर करे हैं कुछ गेस्ट हाउसेज, रेस्ट हाउसेज वहाँ के। तो अगर आपको डिकाला नहीं मिलता जैसे सोनू भाई कह रहे हैं, तो फ्लेक्सिबल रहोगे ना अगर, क्योंकि सफारी सारी डिकाला पे ही जाकर होगी, तो वहाँ पे अवेलेबिलिटी रहती है, रुक वहाँ पे जाओ, वहाँ से आपको मैक्सिमम 20-25 मिनट, आधा घंटा लग जाएगा पहुँचने के लिए, लेकिन एटलीस्ट आप सफारी डिकाला पे करोगे क्योंकि डिकाला मोस्टली बुक जाता है। अब जैसे डिकाला का परमिट किसी ने ले लिया, ठीक है, उसके बाद भी ड्राइवर के लिए उन्हें ढूंढना पड़ता है या उन्हें ऑटोमेटिकली मिल जाते हैं?
अगर वो गाड़ी 10 घंटे के अंदर सेलेक्ट नहीं करेंगे, अगर वो खुद परमिट बुक करते हैं तो गाड़ी सिस्टम सेलेक्ट कर देगा। अच्छा, मिल जाती है उन्हें गाड़ी? फिर गाड़ी मिल जाती है, लेकिन क्या है ना, वो गाड़ी अपनी इच्छा से, जैसे भाई जान हमारे साथ घूमना चाहते हैं, उन्होंने परमिट बुक कर लिया, या तो वो हमें कॉल करके पहले ही बुक करा लें, अगर 10 घंटे के बाद में वो गाड़ी सेलेक्ट करने की कोशिश करेंगे तो वो सिस्टम खुद ही उसे पहले ही सेलेक्ट कर चुका, फिर चेंज नहीं हो सकता। ठीक है। और वैसे बेस्ट टाइम कौन सा रहेगा ढिकाला के लिए? ढिकाला नवंबर से लेके जून तक पूरा बेस्ट ही होता है, लेकिन गर्मी का टाइम ज़्यादा अच्छा है सेटिंग के हिसाब से। पानी के आसपास ज़्यादा चांस होते हैं, जंगल भी ड्राई होता है, विजिबिलिटी ज़्यादा होती है, तो ज़्यादा दूर तक विजन रहेगा दिखने का, तो साइटिंग के चांस भी ज़्यादा रहेंगे। अभी तो डेंसिटी बहुत ज़्यादा है, तो इस वजह से टाइगर कम दिखता है। यही होता है वैसे, कहते हैं गर्मियों में, लेकिन मैंने जितने टाइगर देखे हैं ना ढिकाला में, सर्दियों में देखे हैं, जितनी बार दिखा है सर्दियों में दिखा है वहाँ पर। तो यही है कि कुछ कह नहीं सकते मूवमेंट का ना, कि कब कौन सी हो जाए। हाँ, गर्मी में चांस ज़्यादा रहता है क्योंकि दूर तक आपको दिखाई देता है। जितना टाइम आप जंगल को देंगे, एक सफारी में नहीं दिखा, दूसरे में दिखेगा, दो नाइट का स्टे, तीन नाइट का स्टे, कई बार ऐसा होता है कि दो तीन सफारी में लगातार दिख जाता है, कई बार तीन दिन में भी नहीं दिखता। वो सब लक के ऊपर भी है, कुछ हमारा एफर्ट भी है। भाई किस्मत अच्छी होगी तो जरूर टाइगर दिखेगा। जय लव भाई की किस्मत है। नहीं नहीं, हमारे को वैसे इस बार भी दिखा है, मैंने पूरा उसकी सीरीज़ बना रखी है। तो इनका नंबर मैंने डाला हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप इन्हें कॉल कर लेना हर चीज़ की, चाहे ढिकाला की बुकिंग हो, किसी और एफआरएच की बुकिंग हो, या फिर कहीं पे सफारी आपने करनी हो पूरे कॉर्बेट में, सोनू भाई आपको करवा देंगे।